गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेंट एंजल्स पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लास, क्लास सिक्स, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, टॉपिक डेसिमल, चैप्टर 9, एक्सरसाइज 9.3, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस द फॉलोइंग यूजिंग डेसिमल इन आवर। आपको एक्सप्रेस करना है आवर्स का यूज करके डेसिमल में, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, 36 मिनट को कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर होता है, 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर होता है। एंड 1 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/60 आवर, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 आवर होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, देयर फोर 36 मिनट को आपको कन्वर्ट करना है, तो 36 मिनट में आप क्या लिखेंगे, 36/60 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा ये आवर्स आ जाएंगे। देन आपके पास कितना आ गया, 6/ या फिर आप इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास और ज़्यादा क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो 12 3 जा 36, 12 5 जा 60, तो अब आप क्या करेंगे, 5 से 3 को डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास पॉइंट में आपके पास आवर्स आ जाएंगे, 0 पॉइंट, यहाँ पे 5 6 जा 30, तो आपके पास क्या आ गया, 0.6 आवर्स, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए हमारे पास है, डेट इज 72 सेकेंड्स। आपको क्या करना है, 72 सेकेंड को कन्वर्ट करना है, तो आपको पता है 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, वी नो 60 सेकेंड्स इक्वल टू 1 मिनट, एंड 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, एंड 60 मिनट्स इक्वल टू 1 आवर, सो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 × 60 आवर, तो आप क्या लिखेंगे, 1/3600 आवर आ गया आपके पास, 1/3600 आवर आ गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब देखिए 72 सेकेंड को कन्वर्ट करना है, तो 72 सेकेंड को देखिए कैसे करेंगे, 72/3600, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे आप 72 से, तो आपके पास जो आवर्स क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे, तो 72 × 72 = 72 × 5 = 360, 1/50 आ गया। तो 1/50 में आप ऐसे जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद वो इजीली आपका आवर्स में कन्वर्ट हो जाए। देन 1 × 2 कर देते हैं, 50 × 2 कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा 2/100, ठीक है। 100 से 2 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 0.02 आवर्स, 144 मिनट्स। तो इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो मिनट से आपके पास इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, तो देखिए किससे करेंगे, 144 मिनट्स इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रही हूँ स्टूडेंट में, 144/60 आवर, ठीक है। डिवाइड कर देंगे इसको, 144 डिवाइड बाय किससे कर देंगे, 12 से कर देंगे, क्योंकि 12 से दोनों डिवाइड हो जाते हैं ये, देन 12 आ जाएगा, 12 × 12 = 144, देन 12 × 5 = 60, तो कितना आ गया, 12/5 आवर आ गया, ठीक है। अब आप इसमें इस नंबर ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए कि हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकें, तो 5 की मल्टीप्लाई आप किस में करेंगे, 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 240/100 आ जाएगा, तो 100 है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो आ जाएगा 2.40 आवर, ठीक है। तो इस तरह आपका सॉल्व हो जाएगा। देन डी पार्ट देखिए, डी पार्ट आपको क्या गिवन है ये देख लेते हैं, तो डी पार्ट आपको गिवन है स्टूडेंट्स 198 सेकेंड्स। इसको कन्वर्ट करते हैं, तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे, तो 1 सेकेंड इक्वल टू 1/60 × 60 आवर, ठीक है। आगे चेक किया तो हमारे पास कितना आ गया, 1/3600 आवर आ गया। आगे सॉल्व करेंगे, तो 198 सेकेंड्स को आप कैसे लिखेंगे, 198/ क्या आ जाएगा आपके पास, 198/3600 आवर, तो आप देखिए 198/3600 / तो 14 से करके 18 से डिवाइड कर लेंगे हम इसको, तो 18 आ गया हमारे पास, देन आपके पास ये आ गया 11, और यहाँ पे आ जाएगा 200, ठीक है।
तो 200 आ गया, तो 200 से आप क्या करेंगे, तो इसको मिक्स सेक्शन में चेंज करेंगे, बट मिक्स में हमें करना नहीं है, तो आप 11 अपॉन 200 की मल्टीप्लाई 5 में, 5 से कर दीजिए, तो 11 मल्टीप्लाई 5 एंड 200 मल्टीप्लाई 5, तो कितना आ गया आपके पास, 55 अपॉन 2000, सॉरी 1000, तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 3 डिजिट के बाद 0.5, आप क्या ले लेंगे, 2 डिजिट है आपके पास, 0 ले लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपके पास आ गया 0.055 आवर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स, रिड्यूस 15 बाय 24 टू इट्स लोवेस्ट टर्म एंड देन राइट द रिजल्ट एज अ डेसिमल। 15 बाय जो 24 है उसको लोवेस्ट टर्म में कन्वर्ट करना है, देन आपको उसका रिजल्ट डेसिमल में लिखना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले रिड्यूस 15 बाय 4 इन लोवेस्ट टर्म, तो क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, 24 है हमारे पास, ये 3 से कर देंगे, 15 डिवाइड बाय 3, 24 डिवाइड बाय 3, तो आपके पास कितना आ गया 5 अपॉन 8, ठीक है। अब आप इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, लोवेस्ट टर्म में, तो आप क्या करेंगे, लोवेस्ट, ये तो आपका लोवेस्ट टर्म आ गया, देन डेसिमल में लिखना है, तो आप 8 की मल्टीप्लाई 125 से कर दीजिए एंड 5 की मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे, 125 से, तो 125 की मल्टीप्लाई 25 में करके देख लेते हैं, 5 5 25, 5 2 10 2 12, 5 1 5 1 कैरी 6, 625 आ गया एंड यहाँ आ जाएगा आपके पास 1000, ठीक है। तो अब ये देखिए कि आपके पास कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, 3 डिजिट के बाद, तो आप क्या लिखेंगे, 625.0, तो आपका आ गया ये डेसिमल फॉर्म में। डिकेड स्टूडेंट्स, एक्सप्रेस 3 डिकेड एज अ डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ अ सेंचुरी, तो 1 डिकेड में कितनी सेंचुरी होती है, 10 सेंचुरी होती है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आपको डिकेड्स दे रखा है, तो 3 डिकेड निकालना है आपको, या फिर 1 डिकेड में आपको 3 डिकेड को डेसिमल फ्रैक्शन में देना है सेंचुरी के, तो आप क्या लिखेंगे, 1 सेंचुरी इक्वल टू 1 बाय 10 डिकेड्स, 1 बाय 10 डिकेड्स, ठीक है। तो 3 डिकेड्स को अगर आप कन्वर्ट करेंगे, या फिर डायरेक्ट लिख लीजिए 3 डिकेड्स इक्वल टू 3 बाय 10, 3 डिकेड्स इक्वल्स टू 3 बाय 10 सेंचुरी, तो कितनी सेंचुरी आ गई आपके पास, 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 0.3 सेंचुरी। एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट, 9.3 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग, 4.56 प्लस 7.9, ऐड में आपको करना सिखा रही हूँ, पॉइंट के नीचे जब भी आप पॉइंट के नंबर्स को ऐड करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है हमेशा, देन 7.92, तो कर लेते हैं 6 प्लस 2 8, ठीक है, 9 एंड 5 कितने हो जाएंगे 14, देन यहाँ पे आ जाएगा 4 और 1 के लिए आ जाएगी यहाँ पे 7 एंड 4 प्लस 1 5, 7 एंड 5 12, तो कितना आ गया आपके पास 12.48। बी पार्ट देख लीजिए, 12.45 प्लस 9.3, ठीक है, ऐड करते हैं 12.45 प्लस 9.3 को ऐड कर लेते हैं, तो आपके पास कितना आएगा 5, 4 प्लस 3 7, 12 और 9 कितने हो जाएंगे 21, 2 में 9 ऐड किया 1, 9 प्लस 2 11 हो गई, 1 कैरी आ गई, यहाँ पे आ गया 21.75, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, सी पार्ट है आपके पास 100 प्लस 7.8, तो 100 में आप क्या करेंगे, अब 100 के बाद पॉइंट नहीं है, तो आप पॉइंट के बाद 0 0 ले लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, देन 7.8 ले लिया आपने, देन ऐड कर लिया, क्या आ गया 08701, तो आपके पास आ गया 107.80। डी पार्ट देख लीजिए, डी पार्ट आपके पास है 88.9 प्लस 18.582, तो आपके पास ये नंबर है, आप क्या करेंगे, इसको 88.9 में पॉइंट के बाद जीरो ले सकते हैं आप, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती पॉइंट के बाद, देन 18.582, ठीक है, तो ऐड कर दीजिए इसको, आपके पास आ गया 289 प्लस 5 14 हो गया, 8 प्लस 8 16 1 17, 8 प्लस 1 9 एंड 1 10, तो कितना आ गया 107.482। देन ई पार्ट देखिए इसका, 1.45 प्लस 0.56 प्लस 0.008 प्लस 0.7, तो आप क्या करेंगे 1.45, तो अब आपके पास जीरो नहीं है,
तो आप क्या कर लेंगे, हर डेसिमल को मैक्सिमम प्लेस तक जीरो जितनी है, मतलब जैसे यहाँ पे फोर टाइम पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, थ्री है, तो आप यहाँ पे जीरो ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती, या कह सकते हैं हमने इन्हें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, 0.560 ले लीजिए यहाँ पे भी, देन 0.008, देन 0.7, ठीक है, ऐड कर लीजिए। तो जब आप ऐड करेंगे कितना जगह, 8, 6 + 5 11 एंड 5 + 4 9, 9 + 1 10 एंड 7 17, 1 + 1 2, तो कितना आ गया, 2.718। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, ऐड द फॉलोइंग, 0.033 कॉमा 0.049 कॉमा 0.051 एंड 0.32, ऐड कर लेते हैं इसको, तो 0.033 देन 0.049 0.051 एंड 0.032, ऐड कर लेते हैं इसको। देखिए तो 9 + 3 12 हो गए, 1 13, 13 और 2 कितने हो गए, 15, 5 1 कैरी आ गई यहाँ पे, 4 + 3 7 एंड 1 कैरी 8, ठीक है, 4 + 3 7, 7 + 5 12, 12 + 3 15 एंड 1 16, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, देन 1 पॉइंट यहाँ पे आ गया आपके पास, 0.165। नेक्स्ट देख लेते हैं, 72.8, तो देखिए सबसे पहले 1.96, पॉइंट के बाद 0 0 ले लीजिए, ठीक है, 0 का कोई वैल्यू नहीं, देन 72.8 है, तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे, 72.8 लिख लेंगे, ठीक है, देन अब आपके पास कितना है, 33 पॉइंट, या फिर आप इसको इस तरह ऐड कर लीजिए, 33.827, ठीक है, देन 72.8, देन नेक्स्ट है आपके पास 1.96, 1.96, तो यहाँ पे 0 0 ले लीजिए, देन अब आप ऐड कर लेंगे, 7 6 + 2 8, 8 + 8 9 + 8 17 एंड 17 + 8 25, 5 2 कैरी, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8 एंड 7 + 3 10, तो कितना आ जाएगा, 108.587। सी पार्ट देख लेते हैं इसका, 11.57 23 230.01 कॉमा 71.23 कॉमा 6, ऐड कर लेते हैं, देखिए 11.57, या फिर आप यहां से लीजिए 230.0001 01, 71.23, 11.57 एंड 0.6, ऐड कर लेते हैं इसको, तो 7 + 3 7 + 3 10 एंड 1 11, 5 + 2 7, 7 + 6 13, 13 + 1 14, देन 1 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 7 1 7 + 3 10 एंड 1 11, 2 + 1 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 313.41। सी पार्ट देख लेते हैं, 485.2, इसके बाद 52 है आपके पास, यहाँ पे ऐड कर लीजिए, मैं इसको लिख नहीं रही हूँ, डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ, देन आपके पास है 112 पॉइंट, कितना है, 97, आप यहाँ पे 0 0 लिख सकते हैं, देन नेक्स्ट जो आपके पास वैल्यू है 0.03, ऐड कर देते हैं, तो कितना आएगा, 7 + 3 10, 9 + 2 11 एंड 1 कैरी 12, ठीक है, 9 + 2 11 और 1 कैरी 12, देन 5 + 2 7, 7 + 2 9 एंड 1 10, 8 + 9 10 एंड 5 15, देन 4 + 1 5, तो कितना जाएगा, 550.20।